आप इस तरह न कीजिए, सर के सामने कंधे न डालो, जुल्फों के फंदे डालो, जिंदा क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ट्यूटोरियल वीडियो। तो गाइज, प्रीव्यू में आपने जो वीडियो देखा, जो रील्स देखा, ये जो रील्स है अभी इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे चल रहा है। ठीक है, आप लोग सोच चुके कि ये तो सेम ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, लेकिन सेम नहीं है, इसमें इफेक्ट अलग है। ठीक है, आपको देखने में सेम लगेगा लेकिन ये अलग इफेक्ट है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देख लेना, आप इजीली क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा नया इफेक्ट ऐड हुआ है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देख लेना। और इस वीडियो में आपको कोई भी XML या प्रीसेट नहीं मिलेगा, इसलिए वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देख लेना, तभी आप इजीली क्रिएट कर सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस तरीके का स्टेटस क्रिएट करने के लिए या रील्स क्रिएट करने के लिए आपके पास एलाइट मोशन ऐप होने का ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, और एलाइट मोशन ऐप आपको, ये जो लेटेस्ट वर्जन है, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर पिन किया हुआ मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एलाइट मोशन ऐप को ओपन करना है, प्लस पे क्लिक करना है, 9:16 रेशियो सिलेक्ट करना है, क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है, ऑडियो पे जाना है, आपको ऑडियो ऐड कर लेना है। ठीक है, जो भी आप ऑडियो ऐड करना चाहते हो कर सकते हो, यहाँ पे मैंने जो ऑडियो ऐड किया है वो आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो कर लेना। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, ये जो सॉन्ग है आप ऐड कर लिया, उसके बाद अभी आपको यहाँ पे सॉन्ग का जो बीट है वो सुनना है। ठीक है, सॉन्ग में जो एक क्लैप होता है उस क्लैप को सुनना है बस, आपको बाकी कुछ भी बीट नहीं सुनना है, बस एक क्लैप सुनना है, जहाँ जहाँ क्लैप हो रहा है वहाँ पे आपको बीट ऐड करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अंदाजे से ऐड कर लेता हूँ, बाकी आप सुन सुन के ऐड कर लेना। ठीक है गाइस, मैं आपको यहाँ पे बस दिखा रहा हूँ, बाकी आप खुद सुन लेना कहाँ पे क्लैप है वहाँ पे आप ऐड कर लेना। ठीक है, मैंने यहाँ पे अंदाजे से ऐड किया है, बाकी आप हेडफोन में अच्छे से सुन के ऐड कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे क्या करना है, इस तरीके से आपको बीट मार्क ऐड करना है। ठीक है, ठीक है, अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना है, इमेज को ऐड करना है, 3 डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया कर लेना है, इस इमेज को पूरा एंडिंग पॉइंट तक लेके आ जाना है। अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, बिटमार्क के हिसाब से इमेज को स्प्लिट करना है। ठीक है, इस तरीके से बिटमार्क के हिसाब से इमेजेस को स्प्लिट करना है। ठीक है, जितना भी बिटमार्क है, बिटमार्क के हिसाब से आपको यहाँ पे जो इमेज आप ऐड करोगे ना, उस इमेज को आपको यहाँ पे स्प्लिट करना पड़ेगा। ठीक है गाइस, इस तरीके से आपको यहाँ पे स्प्लिट कर लेना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप अब मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट समझाऊंगा। ठीक है, आप वीडियो देखोगे तो आप इजीली क्रिएट कर सकते हो विदाउट XML, विदाउट प्रीसेट। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, सॉन्ग ऐड करना है, बीटमार्क ऐड करना है, सॉन्ग को सुन के आपको बीटमार्क ऐड कर लेना है। और मैंने जो सॉन्ग यूज़ किया उसमें बस एक क्लैप का साउंड था, उस क्लैप के हिसाब से मैंने बीट ऐड किया था, आप भी सुन के ऐड कर लेना। उसके बाद इमेज को ऐड करना, इमेज को ऐड करने के बाद बीटमार्क के हिसाब से स्प्लिट कर लेना। स्प्लिट कर लेने के बाद सबसे पहले फर्स्ट जो इमेज, इस पर क्लिक करना है, इफेक्ट्स पे आना है, ऐड इफेक्ट्स पे आना है, सर्च करना है सैचुरेशन। ठीक है, सैचुरेशन सिलेक्ट करना है, आपको यहाँ पे नीचे मोनोक्रोम दिखाई दे रहा है, इसको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, हो गया, अभी फिर से ऐड इफेक्ट पे जाना है, सर्च करना है विग्नेट। ठीक है, विग्नेट आ गया, सिलेक्ट करना है, स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक करना है, ओपन करना है, साइज को 90% कर लेना है। ठीक है, हो गया, फिर से आपको यहाँ पे ऐड इफेक्ट पे क्लिक करना है, अभी आपको यहाँ पे मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाना है, स्विंग इफेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, इसको सिलेक्ट करना है, स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक करना है, स्विंग को ओपन करना है, जो फ्रीक्वेंसीज को आपको 0.30 कर लेना है। ठीक है, एंगल वन को आपको यहाँ पे -5 करना है। और एंगल टू को आपको यहाँ पे +5 करना है। यहाँ से बैक आना है, फिर से ऐड इफेक्ट पे क्लिक करना है, मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाना है, ऑक्सिलेट को सिलेक्ट करना है, स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक करना है, ऑक्सिलेट को ओपन करना है, एंगल को 90° कर लेना है, परफेक्ट 90° करना है, फ्रीक्वेंसी को आपको यहाँ पे 0.50 करना है। ठीक है, मैग्नीट्यूड को आपको यहाँ पे 50 करना है,
जैसे बैक आना है, फिर से आपको यहाँ पे ऐड इफेक्ट पे क्लिक करना है, सर्च करना है एक्सपोजर, एक्सपोजर सिलेक्ट करना है, स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक करना है, एक्सपोजर को ओपन करना है, स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है, ठीक है, इमेज का स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है, प्लस पे क्लिक करना है, थोड़ा सा आगे आना है और एक प्लस पे क्लिक करना है, स्टार्टिंग वाले प्लस को आपको यहाँ पे पूरा 2 कर देना है, ठीक है, 2.00 कर लेना है और कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हो। अभी फिर से आपको यहाँ पे ऐड इफेक्ट पे क्लिक करना है, सर्च करना है टाइल्स सिलेक्ट करना है, ठीक है, स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक करना है, टाइल्स को ओपन करना है, नीचे जो मिरर है इसको ऑन कर देना है, बस आपको यहाँ पे और कुछ भी चेंज करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। सभी इफेक्ट को आपको यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना है और जितना भी इमेज है सभी इमेजेस पे ये इफेक्ट पेस्ट कर देना है, ठीक है, सभी इमेजेस पे ये जो इफेक्ट है आपको पूरा एंडिंग पॉइंट तक पेस्ट कर देना है, जितना भी आपने स्प्लिट के इमेजेस को यहाँ पे आपने क्रिएट किया था, ठीक है, सभी को आपको यहाँ पे क्या करना है, ये जो इफेक्ट है पेस्ट कर देना है सभी इमेजेस पे, ठीक है, मतलब एक ही इमेज है ना, तो एक ही इमेज में आपने जो स्प्लिट किया तो सभी क्लिप्स पे ये जो इफेक्ट है वे आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा एंडिंग पॉइंट तक आपको कर लेना है, कर लेने के बाद अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है, इस तरह से देखने को मिल जाएगा। अभी आपको क्या करना है, पूरा स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है, प्लस पे क्लिक करना है, एक रेक्टेंगल ऐड करना है, ये वाला रेक्टेंगल ऐड करना है, एडिट शेप पे क्लिक करना है, एक्स को आपको यहाँ पे 500 कर लेना है, ठीक है, परफेक्ट 500 करना है, वाई को आपको यहाँ पे 250 कर लेना है और रेडियस को आपको यहाँ पे 60 कर लेना है, ठीक है। बैक आना है, इसका कलर जो है ब्लैक कलर सिलेक्ट करना है, बैक आना है, पूरा एंडिंग पॉइंट तक इसको लेके आ जाना है, ठीक है, इस तरह से कर लेना है। रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना है, मूवमेंट ट्रांसफॉर्म में जाके आप जहाँ एडजस्ट करना चाहते हो कर सकते हो, मैं तो बोलता हूँ सेंटर पे ही रहने दो, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे फिर से आपको यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपको एक इमेज ऐड करना है, जो इमेज आपने बैकग्राउंड में इमेज ऐड किया था ना, सेम इमेज को आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है, इस इमेज को पूरा एंडिंग पॉइंट तक लेके आ जाना है, ठीक है। एंडिंग पॉइंट तक लेके आ जाने के बाद फिर से प्लस पे क्लिक करना है, एक छोटा सा रेक्टेंगल ऐड कर लेना है, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, ये जो आपने इमेज ऐड किया ना, इस इमेज को और रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना है और आपको ऊपर ग्रुप एंड मास्क दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर देना है ताकि कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, ठीक है, और आपको यहाँ पे जो ग्रुप है इस पर क्लिक करना है, एडिट ग्रुप पे जाना है, रेक्टेंगल है इसको एंडिंग पॉइंट तक लेके आ जाना है, ठीक है। अभी जो आपने इसको ऐड किया ना ग्रुप एंड मास्क में, जो ऐड किया इसको सिंपल जिस तरीके से टैप करना है, एडिट ग्रुप में जाना है, इमेज को सिलेक्ट करना है और इसको जूम आउट कर लेना है, ठीक है, जूम आउट करके अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। और इसमें भी आपको इफेक्ट्स पे जाके, ऐड इफेक्ट्स पे जाके सैचुरेशन पे जाना है, ठीक है, सैचुरेशन पे जाके मोनोक्रोम को सिलेक्ट कर देना है, ठीक है, ऐसे आपको बैक आ जाना है और इसको आपको सिंपल से इस पॉइंट पे एडजस्ट कर देना है, इस जगह पे आपको इसको एडजस्ट कर देना है, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, प्लस पे क्लिक करना है, टेक्स्ट पे जाना है, टेक्स्ट पे जाने के बाद जो सॉन्ग का नेम है उसको लिख लेना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। उसके बाद फॉन्ट्स पे जाना है, ठीक है, ये जो फॉन्ट है आपको जो रोबोटो रेगुलर है उसको ही सिलेक्ट करना, आप अलग अगर सिलेक्ट करना चाहते हो कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत सारा फॉन्ट मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ से आप कोई भी फॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, नहीं तो आप लेटो रेगुलर भी सिलेक्ट कर सकते हो, तो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद कलर पे जाके इसको व्हाइट कलर सिलेक्ट करना है, राइट पे क्लिक करना है, मूवमेंट ट्रांसफॉर्म में आना है, इसको यहाँ पे एडजस्ट करना है, इस जगह पे एडजस्ट करना है, इसको पूरा एंडिंग पॉइंट तक लेके आ जाना है, ठीक है, इतना तक कर लेना है। ऊपर जो प्लस है इस पर क्लिक करके डुप्लीकेट लेयर कर लेना है, ऊपर वाले लेयर पर क्लिक करना है, एडिट टेक्स्ट पर आना है और रिमूव करके जो भी सिंगर का नेम है इसको लिख लेना है, ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ राहत फतेह अली खान। उसके बाद राइट पे क्लिक करना है, मूवमेंट ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करके इसको नीचे लेके आना है, जूम लेयर पे के इसको छोटा कर लेना है, ठीक है, सॉन्ग का नेम से इसको थोड़ा सा छोटा कर लेना है। अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, जो सॉन्ग का लिरिक्स है आपको यहाँ पे सुन लेना है, लिरिक्स जिस पॉइंट पे स्टार्ट हो रहा है उस पॉइंट पे आना है, ठीक है। आने के बाद प्लस पे क्लिक करना है, टेक्स्ट पे जाना है, जो आपका लिरिक्स है आपको यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद आपको यहाँ पे फॉन्ट्स पे जाना है और ये जो फॉन्ट है इसका नाम है लेटो रेगुलर इटैलिक, ठीक है, लेटो रेगुलर इटैलिक, ये वाला फॉन्ट आपको सिलेक्ट करना है और आपको व्हाइट कलर सिलेक्ट कर लेना है, इसका साइज अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो, राइट पे क्लिक कर देना, ठीक है। उसके बाद मूवमेंट ट्रांसफॉर्म में आके इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देना है, जो लिरिक्स है मैं यहाँ पे भूल गया, ठीक है, तो आपको भी सुन के लिख लेना है, मैं यहाँ पे बस आपको दिखा रहा हूँ कि आपको कैसे करना है, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पे लिरिक्स लिख लेना है और ये जो फॉन्ट है, फॉन्ट का नेम मैं फिर से बोल रहा हूँ, लेटो रेगुलर इटैलिक, ठीक है, ये डिफॉल्ट फॉन्ट है, आपको एलाइट मोशन ऐप पर मिल जाएगा, राइट पे क्लिक कर देना है
और इसका जो आपका लिरिक्स सुन लेना है जहाँ पे एंड हो रहा है उस पॉइंट पे आना है, यहाँ पे क्लिक करके लिरिक्स को भी उस पॉइंट तक लेके आ जाना है। अभी आपको क्या करना है, इफेक्ट्स पे आना है, ऐड इफेक्ट्स पे आना है, टेक्स्ट पे जाना है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म सिलेक्ट करना है, स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक करना है, रेंज पे क्लिक करना है, लिरिक्स का आपको यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है, स्टार्ट पे क्लिक करके प्लस पे क्लिक करना है, थोड़ा सा आगे आना है इस तरीके से, एंडिंग से थोड़ा सा पहले और एक प्लस पे क्लिक करना है, इसको 100 कर लेना है, ठीक है। नीचे आना है, ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करना है, लेटर को आपको सिलेक्ट करके वर्ड कर लेना है, नीचे आना है आपको अल्फ़ा पे क्लिक करना है और अल्फ़ा पे क्लिक करके इसको -1.000 कर लेना है, ठीक है। कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। फिर से बैक आना है, फिर से ऐड इफेक्ट पे क्लिक करना है, फेड इन आउट को सिलेक्ट करना है, स्टैंडर्ड सेटिंग पर क्लिक करना है, इसको ओपन करना है, इन को पूरा 0, आउट को 0.30 कर लेना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिरिक्स का काम हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। सेकंड लिरिक्स लिखने के लिए क्या करना है, इस लिरिक्स पे क्लिक करना है, ऊपर जो प्लस इस पे क्लिक करके कॉपी लेयर कर लेना है, सेकंड लिरिक्स जिस पॉइंट पे स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे आके सिंपल से पेस्ट लेयर कर देना है, ठीक है। लिरिक्स जहाँ पे एंड हो रहा है उस पॉइंट पे आना है, लिरिक्स पे क्लिक करना है, ड्यूरेशन पे जाके आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, उसके बाद एडिट टेक्स्ट पे जाके रिमूव करके जो भी आपका लिरिक्स है आपको सिंपल से लिख लेना है, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पे लिख लेना है। तो कुछ इस तरह से आपको अभी लिरिक्स को पूरा एंडिंग पॉइंट तक पेस्ट करके इस तरह से कंप्लीट कर लेना है, ठीक है गाइज। पूरा लिरिक्स को कंप्लीट कर लेना है। कंप्लीट कर लेने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, ये जो रेक्टेंगल आपने ऐड किया ना, ये जो ब्लैक रेक्टेंगल, यहाँ से आपको पूरा सिलेक्ट करना है, ऊपर जितना भी आपका लिरिक्स होगा उतना आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, सिलेक्ट करके ऊपर आपको ग्रुप पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे सभी लिरिक्स और बाकी जितना भी फाइल्स है वो ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। लिरिक्स पहले आप कंप्लीट कर लेना, उसके बाद सबको ग्रुप में कन्वर्ट कर लेना। अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, आपने जो नीचे इमेज में इफेक्ट ऐड किया था ना, इसी इमेज पे क्लिक करना है, इफेक्ट्स पे जाके 3 डॉट पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना है, ग्रुप पे क्लिक करना है, इफेक्ट्स पे जाके 3 डॉट पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना है। तो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। अभी सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको एक्सपोजर को ऑफ करना है, टाइल्स को ऑफ करना है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा और विग्नेट को भी आपको यहाँ पे ऑफ कर देना है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपको इफेक्ट जो है वो मैच हो जाएगा, इस तरह से आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा स्टेटस है रील्स वीडियो वो कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो को एक्सपोर्ट करने के लिए ऊपर राइट पे कॉर्नर पे क्लिक करना होगा, वीडियो को हाई रेजोल्यूशन करके नीचे एक्सपोर्ट पे क्लिक करना होगा, आपका वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना और सेकेंड चैनल पर वीडियो जाके ज़रूर देखना, नहीं देखा तो आपका लॉस है। सो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।